अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल स्टिचिंग क्राफ्ट। कैसे हैं व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बेबी फ्रॉक बनाना सिखाऊंगी एक नाइस स्टाइल में। ये देखिए, ये ऊपर योक की कटिंग मैंने कर रखी है और साथ में एप्लिक लगाई हुई है। एप्लिक की डिटेल मैं अपनी वीडियोज़ में बता चुकी हूँ। ये देखिए इस तरीके से ये योक है और इसके नीचे फ्रॉक की हम चुनट नहीं देंगे। मैं और शेप में ये फ्रॉक बनाना सिखा रही हूँ। ये देखें, पहले हमें 1.5 मीटर कपड़ा लेना है, उसके बाद बैक को 4 इंच लेंथ में ज़्यादा रख कर, ये देखें, इसको इस तरीके से तह करना है कि बैक 4 इंच ज़्यादा हो। इसको इस तरीके से तह करके मैंने इसके कोने राउंड में कटिंग किए हैं। ये देखें, फ्रंट के कोना भी और बैक का कोना भी राउंड में कटिंग की है। उसके बाद ये देखें, बैक 4 इंच ज़्यादा रखते हुए सेंटर पर मैंने निशान लगाया था। उसके बाद निशान लगाने के बाद सेंटर को इस तरीके से, ये देखें, इसको 4 पीस में तह करके मैंने यहाँ पर 7 इंच से मार्क किया है, कटिंग की है। जब हम इसको खोलेंगे तो ये इस तरीके से 14 इंच पर हमें कमर के लिए कट मिलेगा। ये देखें, जहाँ पर हम योक को फिट करेंगे, यहाँ पर ये मैं आपको मज़ीद कटिंग करके दिखाती हूँ इसको किस तरह स्टिच करना है। वीडियो पूरी दिखेगा। अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरी आने वाली हर अच्छी वीडियो आप आसानी देख सकें। ये देखें, पहले मैं एप्लिक को कंप्लीट करूँगी, उसके बाद गला बनाऊँगी। एप्लिक किस टांके से की जाती है ये मैं पहली वीडियोस में डिटेल बता चुकी हूँ, फिर भी बताती चलूँ। जैनम कंपनी की मॉडल नंबर 6000 मैं यूज़ कर रही हूँ, उस पर स्टिच नंबर 27 लगाया है। फुट का कोई इशू नहीं है, आप कोई भी फुट एप्लिक के लिए यूज़ कर सकते हैं। लॉन के फ्रॉक एप्लिक से बहुत खूबसूरत, बच्चों के प्यारे लगते हैं। हल्की सी डिज़ाइनिंग से आप भी घर में इजीली बना सकते हैं। अगर आपके पास ये मशीन नहीं है तो भी आप बना सकते हैं। जिस तरह फ्लावर्स को कटिंग, बुकरम की कटिंग करने के बाद एक्स्ट्रा कपड़ा हल्का सा सिलाई के अंदर फोल्ड करते हुए आप ऊपर सिलाई कर सकते हैं। एप्लिक के फ्लावर्स के इर्द गिर्द आप गोटा किनारी भी लगा सकते हैं या कोई छोटी लेस भी लगा सकते हैं, जिसे एप्लिक प्रोमिनेंट हो जाए। ये देखिए व्यूअर्स, मैंने एप्लिक रेडी कर ली है। अब मैं इसका नेक बना रही हूँ।
जॉक रेडी कर लिया है। अब हम नीचे अम्ब्रेला को सेट करेंगे, क्योंकि इसकी गुलाई में कटिंग है, इसलिए मैं इसको पहले पीको कर रही हूँ, उसके बाद लेस लगाऊंगी। आप चाहें तो डायरेक्ट भी ऐसे लगा सकते हैं लेस को, कपड़े को हल्का सा फोल्ड करते हुए। पीको करने से सर्कल साइड प्रोमिनेंट हो जाती है, इस पर ईजिली लग जाती है लेस। देखें, अब योक को मैं अटैच कर रही हूँ। फुल राउंड में मैंने लेस लगा ली है। ये देखें, फिटिंग के नाप पर आपने कट को काटना है। इसी कट पर, सेंटर कट पर अब हम योक को अटैच करेंगे। अब फ्रंट बैक को चेक करके लगाएं, फ्रंट साइड शॉर्ट है। ये देखें व्यूअर्स, मैंने फ्रॉक रेडी कर लिया है, सिंपल ब्यूटीफुल बट इजी ड्रेस। ये पहना हुआ बच्चों को बहुत खूबसूरत लगता है, आप भी इजी घर में बना सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप आसानी देख सकें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।